किसानों की मांग को देखते हुए राज्य सरकार ने गन्ने के दामों में 10 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। अब ये भाव 340 रुपये प्रति क्विंटल की जगह 350 रुपये प्रति क्विंटल होगा। इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि बाजार में चीनी के भाव पर्याप्त नहीं हैं, फिर भी किसानों की मांग को देखते हुए गन्ने का भाव 10 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये भाव देश में गन्ने का सर्वाधिक भाव है। उन्होंने कहा कि फसलों की बिजाई को देखते हुए किसानों की मांग पर पहले 5 जिलों में कृषि क्षेत्र की बिजाई सप्लाई बढ़ाई गई थी। अब पलवल और सिरसा जिले में अब 8 के बजाय 10 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। मेडिकल कॉलेजों की फीस बढ़ोतरी पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये गलत प्रचार किया जा रहा है कि मेडिकल कोर्स की फीस में कई गुना बढ़ोतरी की गई है। असलियत में तो MBBS कोर्स की फीस 60,000 रुपये से बढ़ाकर 80,000 रुपये वार्षिक की गई है। इसमें एक बॉन्ड भरने की व्यवस्था जरूर की गई है, जो कि केवल सरकारी नौकरी नहीं करने वालों पर ही लागू होगा। इस व्यवस्था में मेडिकल कोर्स करने वाले विद्यार्थियों के लिए सरकारी नौकरी का प्रावधान, जो पहले नहीं था, अब सुनिश्चित किया गया है। जो बिजली है कृषि क्षेत्र को दी जा रही है, उसमें थोड़ी बढ़ोतरी की जाए, क्या कहेंगे? ठीक बात है। आजकल क्योंकि फसल की बिजाई शुरू होने वाली है, तो हमने कुछ जिलों के अंदर बिजली के टाइमिंग बढ़ा दिए हैं। पहले 5 जिलों में, 2 जिलों में और हमारे पास मांग आई है, वो पलवल और सिरसा जिले की, और वो भी आज से कह दिया गया है कि 8 घंटे के बजाय उनको भी 10 घंटे बिजली दें, 2 घंटे की बिजली उनको ज़्यादा मिलेगी प्रतिदिन। जी, कुछ गन्ने के भाव के बारे में भी बात हो रही है कि कुछ बढ़ा दिया जाएगा, इसमें सरकार की तरफ से क्या कहेंगे? वैसे तो क्योंकि बाज़ार में चीनी के भाव अभी पर्याप्त नहीं हैं, फिर भी क्योंकि किसानों की मांग है, इसलिए इस बार हमारे जो किसान बंधुओं की मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय किया है कि 10 रुपया क्विंटल इस बार जो रेट है वो उनके बढ़ाए जाएंगे। अभी तक जो रेट 340 रुपये प्रति क्विंटल था, उसको 350 रुपये क्विंटल किया गया है, और ये हमारा जो रेट है पूरे देश में सर्वाधिक है, हाईएस्ट रेट ऑफ शुगर केन ये हरियाणा दे रहे हैं। सीएम साहब, एक इशू आजकल चल रहा है कि मेडिकल कॉलेज की फीस है, उसको कई गुना बढ़ा दिया गया है, तो गरीब लोगों पे बड़ा असर पड़ेगा, क्या कहेंगे? ये गलत है, कई गुना बढ़ा दिया गया है, क्योंकि फीस तो सामान्यतः जो पहले 60,000 रुपया MBBS की होती थी, उसको अब 80,000 रुपया किया गया है। हाँ, ये ठीक है कि हमने एक बॉन्ड उसमें ज़रूर डाला है कि 10,00,000 रुपया प्रति वर्ष के लिए बॉन्ड की उनसे भरवाए जाएंगे, और वो बॉन्ड तभी मान्य होंगे अगर वो सरकारी नौकरी नहीं करेंगे। अगर सरकारी नौकरी वो लोग करते हैं तो फिर उस बॉन्ड का कोई अर्थ नहीं रहेगा, वो जो पैसा है वो सरकार अपने पास से देगी। कहीं नौकरी छोड़ करके बाहर चले जाते हैं यानी पास करने के बाद, तब वो अपने पास से उस पैसे को देंगे। अभी हमने तो 10,00,000 रुपया ही किया है, सरकारी जो बहुत से प्रदेश ऐसे हैं जिसके अंदर ये बहुत बड़ी राशि है, और हमारे यहाँ भी जो प्राइवेट कॉलेज है 12,00,000 15,00,000 17,00,000 रुपये का रेट है। तो हम तो बल्कि यहाँ तक मानते हैं कि जो लोग MBBS कर लेंगे या MD कर लेंगे, उनको सरकारी नौकरी एक प्रकार की सुनिश्चित हो जाती है, तो सुनिश्चित नौकरी का प्रावधान ये जो पहले नहीं था वो निश्चित रूप से अब उनको मिलेगा। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।